अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान अफेयर्स की ये कहानी। आज इसका पांचवा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले चार लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी के बगैर कोई भी डिसिप्लिन जो है वो समझ नहीं आ सकता। तो जनाब, हम थे 1911 में। 1911 में ऐसा क्या हुआ कि ऑल टुगेदर मुस्लिम पॉलिटिक्स की आउटलुक ही बदल गई? हालांकि इससे पहले पहले तो बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन सिलसिला जो है वो चल रहा था, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में मुसलमानों को फ़ायदा हो गया, 1906 की शिमला डेपुटेशन हमें बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट मिला, 1906 में ही मुस्लिम लीग बन गई, 1907 में लंदन ब्रांच मुस्लिम लीग बन गई, 1909 में मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स में 6 स्पेसिफिक सीट्स विद सेपरेट इलेक्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर, तो बहुत अच्छा। और लॉयल्टी भी हम पूरी शो कर रहे थे टूवर्ड्स ब्रिटिश, नज़रिया ज़रूरत थी। ये इस हद तक है कि K.K.Aziz अपनी किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि 1907-08 में हैदराबाद दक्कन के को मनचले नौजवान, उन्होंने एक जलूस निकाल दिया जलसा के, और उसमें उन्होंने आज़ादी के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने उनको ख़त लिखा हैदराबाद दक्कन की मुस्लिम लीग के सदर को कि जनाब, ये मैंशन है K.K.Aziz में, आप देख सकते हैं उसका जो हिस्टोरिकल फैक्टर का चैप्टर है ना जी, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, ज़रूर देखिएगा उसको। उन्हें लिखा जनाब कि हमें अंग्रेज़ सरकार के में जाना है, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी में हम हिंदुओं के डोमिनेंट हिंदुओं के अंडर आ जाएंगे, वो मेजॉरिटी में हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम ब्रिटिश के अंडर रहें और अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश को पोर्ट्रे करें। बहुत बड़ी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि पोलिटिकल जीनियस है लीडरशिप, ये बड़ी करिज्मेटिक लीडरशिप है, इनको अंदाज़ा था। आज भी आप देख लें जो इंडिया में हो रहा है, आप तो क्लियरली फासिस्ट रजीम वहाँ की अलालान बोल रही है कि मुसलमानों के लिए नहीं है इंडिया। सो ये तो बहुत विजनरी लीडरशिप थी, आप तो इनके एहसान कभी नहीं भूल सकते। खैर, 1911 तक मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और ख़ास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बड़ा अच्छा, बड़ा बेनिफिट जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। हाउएवर, 1911 में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने चीज़ों को तब्दील किया, और उसको आप कहते हैं एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तनसीखे तकसीम बंगाल नहीं, तकसीम बंगाल का ख़त्म हो जाना, दोबारा बंगाल का एक हो जाना, ये बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। तो आइए फिर मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी डेवलपमेंट क्या है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 1911 में ब्रिटिश किंग वफात पा गए और उनके वली अहद थाईलैंड के जंगलों में सफ़ेद शेर का शिकार करने आए हुए थे। अब ब्रिटिश हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है, ये कोशिश करते हैं कि जो बादशाह है अगर एक मर गया है तो दूसरा बादशाह फ़ौरन से उसको ताजपोशी कर दो, ज़्यादा देर ना करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये इनकी ट्रेडिशन है। सो जनाब, क्राउन ताज लंदन से चला, थाईलैंड से वलीअहद चला, और डिसाइड ये हुआ कि इंडिया में ये कॉरोनेशन सेरेमनी होगी। अब देखें जी, पिछले लेक्चर्स में अगर आपने सुने हैं तो इंडिया का ब्रिटिश कैपिटल कौन था, कौन सा इलाका था? कलकत्ता, कैलकटा कहते, और कैलकटा के इर्द गिर्द बंगाल, मगरबी बंगाल, दूसरी तरफ मशरकी बंगाल, और यहाँ तो आग लगी हुई है। मशरकी बंगाल के गवर्नर पे तो असैसिनेशन की अटैम्प्ट हुई हुई हैं। मुलहक्का जो सूबे थे, जैसे CP हो गया, थोड़े से इलाके UP के हो गए, वहाँ पे भी आग लगी हुई है, और कांग्रेस भी ज़ाहिर है उस सारे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, स्वदेशी मूवमेंट जो 1904-5 से स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अब इन हालात में क्राउन का कलकत्ता में कॉरोनेशन होगा बादशाह सलामत का, और अगर ज़रा सी भी कोई बदमजगी हो गई तो गवर्नर जनरल है तो मुलाजम ही ना, तो वो तो उसका फ्यूचर गया, इंडिया का गवर्नर जनरल, बस उसके बाद आगे उसने फिर ब्रिटिश
हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ब्रिटिश कैबिनेट्स में उसने अपना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करना है, बड़ा आगे उसका कैरियर है, कौन अपना कैरियर डिस्ट्रॉय करेगा। सो बड़ी सोचो विचार हुई और बड़ी सोचो विचार के बाद ये डिसाइड हुआ कि जनाब कलकत्ता में क्यों करवानी कॉरोनेशन। हजूर हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा बादशाह, उसकी ताजपोशी दिल्ली में हुई है। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं, दिल्ली में कॉरोनेशन करा लेते हैं, ताकि इन इलाकों से बार बार रहते हुए वली अहद को आप दिल्ली तक ले जाएं। तो एक तो ज़बरदस्त ये प्लान हुआ। दूसरा भाई बात यह है कि ठीक है आप उसको मगरबी बंगाल और मशरकी बंगाल इन इलाकों से दूर दूर रहते हुए वो थाईलैंड से क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल को आए, मद्रास में उसको उतारें और यहाँ से उसको लेके आप ऊपर दिल्ली की तरफ जाएं, तो बीच में कई राजे महाराजों की रियासतें भी हैं, थोड़े बहुत इलाके ब्रिटिश इंडिया के भी हैं, उन थोड़े बहुत इलाकों में भी अगर कांग्रेस को भनक पड़ गई तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम, तो थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी जो है वो ऑन बोर्ड ले लें, मेजॉरिटी पार्टी तो कांग्रेस ही है। अब ये सब कुछ बंद कमरों में डिसाइड हो रहा है। कांग्रेस फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अभी भी इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थी कि हर खबर हर जगह पे हर खबर पे नज़र रखी जाए। ऐसा ही हुआ 1911 में बादशाह सलामत दिल्ली आ गई। बादशाह सलामत ने कॉरोनेशन हुई जनाब उनकी और पहला उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया दिल्ली आज से कैपिटल होगा। तो 1911 से दिल्ली कैपिटल है, याद रखिएगा। जाहिर है कांग्रेस से आप जब कह रहे हैं कि जी हमें सपोर्ट चाहिए और आपने फूलों के हार फेंकने हैं और जनाब बादशाह सलामत के नारे लगाने हैं, तो इन रिस्पॉन्स कांग्रेस आपसे कुछ तो डिमांड करेगी। और कांग्रेस ने एट दैट टाइम ना तो आपसे ये डिमांड की कि एग्जेक्टिव काउंसिल में इंडियन ज़्यादा हों, ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन ज़्यादा हों, पॉलिटिकल राइट्स डिमांड नहीं किए। और यहाँ आके कांग्रेस का पोल खुल जाता है। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो जब आपको मौका मिला है तो आप सियासी हकूक मांगे ना। बट कांग्रेस जो बंद कमरों में डिसाइड हुआ वो ज़ाहिर है जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कांग्रेस को ज़्यादा सारा फाइनेंशियल सपोर्ट तो कलकत्ता के ट्रेडर्स कलकत्ता के इंडस्ट्रियलिस्ट से होता था और उन्हीं के प्रेशर पे कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च की थी। सो कांग्रेस ने डिमांड किया पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म कर, ब्रिटिश एग्रीड। तो दूसरा एग्जेक्टिव ऑर्डर जो पास हुआ वो पास हुआ एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। अच्छा बाप एक बात सोचा जरूर करें कि जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो यार बड़ी डिसीजन मेकिंग, तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ये बात की थी कि बड़े डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तो किंग का भी प्रीरोगेटिव नहीं है कि वो इस तरह के बड़े डिसीजन ले ले। हाँ किंग एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर सकता है और वही पास करवाया गया। अब किंग का एग्जेक्टिव ऑर्डर जो पास हुआ है ये जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको ओके करेगी। और जो जाहिर है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ओके किया क्योंकि किंग का एग्जेक्टिव ऑर्डर था, नया नया किंग था, उस नए नए किंग के साथ आप अपने ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करना चाहते। लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन लंदन एक बात पे तो कंसेंसस था कि ये बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो इसको तकसीम किया जाए। तो जनाब एक तो ये झटका जो पहला लग गया इस पे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने सियासत छोड़ दी और आगा खान ने सियासत छोड़ दी, कई लोगों ने सियासत छोड़ दी कि मरसद किया क्या ब्रिटिश ने। लेकिन जरा ब्रिटिश एंगल को भी देखें तो उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो आप कह लें कि मुलजिम है वो कांग्रेस है, एक ऐसे नाजुक मोड़ पे इंडिया में जहाँ पर वो हर तबके के लिए सियासी हकूक हासिल कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ अपने फंड रेजर्स और डोनर्स के लिए सोचा। खैर कोई बात नहीं, 1912 में जैसा कि मैंने पहले कहा बंगाल तो तकसीम करना है और बंगाल तकसीम हुआ। ये जो बंगाल तकसीम हुआ
1912 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की अप्रूवल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने ये किया। अब जब बंगाल तकसीम हो रहा है ना जी, तो अब किसी कांग्रेस के लीडर ने नहीं कहा कि गौ माता तकसीम हो रही है, अब किसी लीडर ने नहीं कहा कि ये डिवाइड एंड रूल है, अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स जो कि कांग्रेस का हामी था उसने नहीं कहा कि जनाब ये तो बंगालियों को तकसीम करने की साजिश है। ये सब सो गए थे, ये सब कहाँ गए जब 1912 में इसी यूनाइटेड बंगाल के मगरबी हिस्सों से बिहार का सूबा बनाया गया, इसी यूनाइटेड बंगाल के जनूबी हिस्सों से उड़ीसा का सूबा बनाया गया। ये दो सूबे याद रखिएगा बने 1912 में, उड़ीसा एंड बिहार, थोड़े बहुत इलाके यूपी के, सीपी के और ढेर सारे इलाके बंगाल के मिला के बिहार, थोड़े से इलाके सीपी के, थोड़े से इलाके मद्रास के और ढेर सारे साउथ के इलाके बंगाल के मिला के। बंगाल छोटा हो गया, ब्रिटिश का मकसद पूरा हो गया। अब जो बंगाल रह गया उसमें 50% के करीब ऑफिशियली मुसलमान और 50% के करीब नॉन मुस्लिम्स, लेकिन जो बाकी दो सूबे बने क्योंकि वो बिल्कुल हिंदू बंगाल, जहां मगरबी बंगाल के वो एक्सट्रीम इलाके जहां मेजॉरिटी हिंदूज की थी, और यूपी में भी मेजॉरिटी हिंदूज की और सीपी में भी मेजॉरिटी हिंदूज की और मद्रास में भी हिंदुओं की मेजॉरिटी, तो ये जो दो सूबे बने इनमें मोर देन 90% मेजॉरिटी हिंदुओं की, ये एक बम की तरह गिरा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे। कि ये भी लीडरशिप गालिबन यही सोच रही थी कि ठीक है कांग्रेस जो है वो अपने एक सियासी अजाइम के साथ चल रही है, लेकिन ये क्या हो गया? अगर इतने ही नजरियाती थे कांग्रेसी, इतने ही नजरियाती थे तो अब भी तो बोलते कि बिहार अलहदा हो गया, उड़ीसा अलहदा हो गया, बंगाल तकसीम हो गया, कोई नहीं बोला। क्योंकि कलकत्ता के ट्रेडर और इंडस्ट्रियलिस्ट की तमाम रॉ मटेरियल उसको बंगाल के मशरकी इलाकों से मिलता था, अब वो और बंगाल में ही है। क्योंकि सबसे बड़ी पोर्ट चिटागांव की वो मशरकी हिस्से में थी, अब वो बंगाल में ही है। सो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी जो अया हो गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप में 1912 में। 1912 की मुस्लिम लीडरशिप दो हिस्सों में, इनफैक्ट तीन हिस्सों में तकसीम है। एक तो वो जो 1911 में ही पॉलिटिक्स को खैरबाद कह गए, इसलिए हम कहा कि दो हिस्सों में, जो बाकी दो, उन बाकी दो में कुछ तो ऐसे हैं जो बैक टू पवेलियन, कि जिस तरह हम पहले सूबों के लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे थे हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एक लीडरशिप जंग फैमिली जितनी भी है, बहादुर यार जंग, एक लीडरशिप ये सोच रही है कि क्लास के शरारती लड़के को मॉनिटर बना दो, या बीइंग अ टीचर क्लास के सबसे शरारती लड़के के साथ दोस्ती कर लो। हकीम अजमल खान का बड़ा मशहूर लेटर है 1912 का कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ अपने जो तजादात हैं, जो फ़र्क हैं, उनको एड्रेस कर लेना चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी ये लीडरशिप जो चाह रही है कि शरारती लड़के के साथ दोस्ती कर लो, ये भी चाह रही है कि हमारे पास अब बचा क्या? हमारी इतनी स्ट्रगल हुई, हमने पहले 10-15 साल सोचा, फिर 1906 से लेके अब तक की हमारी स्ट्रगल, इसमें बचा क्या हमें? सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। और 1911-12 की डेवलपमेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि ब्रिटिश वायलेंस की ज़ुबान समझते हैं, वायलेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को करनी नहीं आती, कांग्रेस को आती है। और कांग्रेस ने थोड़ी सी और वायलेंस कर दी तो भाई सेपरेट इलेक्ट्रेट्स भी गया। सो लिहाजा डिफरेंसेस ख़त्म किए जाए। ये डिफरेंसेस कौन ख़त्म करवाएगा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कैसे डिफरेंसेस ख़त्म करवाए, कैसे यूनिटी करवाई, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मुस्लिम्स की पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन में कैसा हुआ? अगली लेक्चर का इंतज़ार कीजिए।